साखरदरा पुलावर झालेल्या भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातल्या 4 सदस्यांचा मृत्यू झाला होता, ज्यात 2 लहान मुलांचा देखील समावेश होता. या घटनेमुळे दुखी व हादरलेल्या नागरिकांतर्फे शनिवार 17 सप्टेंबर रोजी टिकमी दादरा पूल नागपूर येथे कॅन्डल मार्च काढण्यात आला. टिमकी दादरा पूल परिसरात काढण्यात आलेल्या कॅन्डल मार्च दरम्यान संपूर्ण क्षेत्रात शोकाकुल वातावरण पसरले होते. गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण परिसर दुःखात होता. या कॅन्डल मार्चच्या सहाय्याने जर यानंतर अशी परिस्थिती उद्भवली तर समाजाने एकत्र येऊन अन्यायाविरुद्ध आवाज उचलायला हवा असा संदेश देण्यात आला. आज पोलीस कमिशनर यांना निवेदन देण्यात आले. तसेच कॅन्डल मार्चला उपस्थित नागरिकांतर्फे पीडित परिवाराला सरकारकडून मदत मिळवून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आज का ये कार्यक्रम था, पूरे क्षेत्र में शोकाकुल वातावरण था. पिछले एक हफ्ते से सब पूरा परिसर दुख में था और इस दुख में अवस्था में हमने कल पूरे समाज के ओर से, क्षेत्र के ओर से हमने ये निर्णय लिया कि भाई जो शोकाकुल वातावरण है, इस शोकाकुल वातावरण को सामूहिक श्रद्धांजलि का एक कार्यक्रम हम आयोजित करें और साथ में एक कैंडल मार्च के माध्यम से समाज में ऐसी जब फिर कभी कोई घटना हो जाए तो समाज संगठित हो, क्षेत्र के लोग संगठित हो और अन्याय के खिलाफ में हम आवाज उठाए. खासकर सोमवार के दिन हम माननीय कमिश्नर उनके पास एक निवेदन ज्ञापन लेके हम जा रहे ताकि उसको आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा हो. साथ ही मुख्यमंत्री निधि से इस परिवार को क्या लाभ मिल सकता है, सरकार क्या दे सकती है, उसके लिए हमारा प्रयत्न चालू है. हम रोज माननीय आमदारों से इनसे चर्चा चालू है और चर्चा के माध्यम से सरकार से क्या ये प्राप्त कर सकते हैं उनके लिए हमारी पूरी कोशिश जारी है. यहाँ सभी आमदार है, मैं माननीय विकास कुमारी जी आए, हॉस्पिटल के अंदर में मोहन मती जी आए थे, कल माननीय गडकरी साहब की यहाँ विजिट थी लेकिन कल दोपहर को उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो यहाँ पहुँच नहीं पाए. लेकिन उन्होंने हम सबको ये कहा है कि मैं उन परिवार में मिलने की मेरी मानसिकता है और उस परिवार से मिलना चाहता हूँ. आगे हमारी रणनीति यही है कि जिस कार मालक है वो कार मालक को भी हमने अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह किसी कुत्ते ने काटा तो कुत्ते को सजा नहीं होती है तो वो मालिक को सजा होती है. जिसकी कार थी उसको भी सजा होनी चाहिए, उसको भी पुलिस ने उसको अरेस्ट करना चाहिए और साथ ही जिसने ये अपराध किया है उसको फांसी की सजा होना चाहिए. पुलिस ने अभी तक की यही कार्रवाई की, सिर्फ कागजों पत्री कार्रवाई हमको बताया है लेकिन माननीय कमिश्नर साहब के ऊपर हमको भरोसा है कि कमिश्नर साहब इसके ऊपर विशेष ध्यान देकर ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा उस आरोपी को मिले, यही हमारी मांग है. और जो ड्राइवर है, ड्राइवर के बीच में बैरिकेड नहीं था और जो डिवाइडर था वो डिवाइडर बहुत छोटा है, तो डिवाइडर की लेंथ बढ़ाया जाए ताकि दोबारा ऐसे अपघात उस क्षेत्र में ना हो. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.